रानो मंडल को भी मिला भोजपुरी इंडस्ट्री में काम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रानो मंडल आजकल इंटरनेट सेंसेशन हुई है। उन्हें कौन नहीं जानता, उनके बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हर कोई जानना चाहता है। ये सोच रहा है कि किस तरह से रानो मंडल के बारे में क्या नया मिल जाए सुनने को, तो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन के जरिए हम आपको बता दें कि रानो मंडल कई बॉलीवुड के फिल्मों में गाना गा रही हैं। अभी तक उन्हें हिमेश रेशमिया ने गाने का मौका दिया है और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां रानो मंडल को गाना गाने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ रानो मंडल जल्द ही कपिल शर्मा शो में भी नजर आएंगी। और उसके अलावा रानो मंडल इन दिनों अपने होम टाउन कोलकाता गई हुई हैं, जहां वो बड़े से बड़े प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम की चीफ गेस्ट भी बन रही हैं। साथ ही साथ रानो मंडल के पिछले जीवन की बात करें तो बड़ी ही गरीबी में और बड़ी ही तंग हाली में उनका जीवन बीता है। उनका एक लंबा समय मुंबई में बीता है। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि रानो मंडल ने फिरोज खान के घर भी काम किया है। उनके घर वो बर्तन और झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। साथ ही साथ रानो मंडल को लेकर ये भी खबर आ रही है कि 20 साल की उम्र में, महज एक छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में उन्होंने एज अ ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट अपना करियर शुरू करना चाहा, लेकिन वहाँ पर रानो मंडल के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने ये काम छोड़ दिया और फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। लेकिन हम बात भोजपुरी इंडस्ट्री की करेंगे। रानो मंडल को जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और साथ ही साथ भोजपुरी के कई बड़े संगीतकार अपनी फिल्मों में एज अ सिंगर लॉन्च कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रानो मंडल की आवाज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित खेसारी लाल यादव हुए हैं। वैसे भी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने रानो मंडल जैसे कलाकार को चुना है अपनी फिल्मों में गाने के लिए। अगर रानो मंडल से बात सब कुछ फिट रही तो जल्द ही खेसारी लाल यादव के साथ साथ और भोजपुरी के कई बड़े सिंगरों के साथ वो डेब्यू करते, संगीतकारों के साथ उनकी फिल्मों में गाना गाते नज़र आ सकती हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।